हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू उड़ान में अहमद सईद। गाइस, दिल्ली में आज बहुत ज़्यादा तूफान हुआ है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसे देख सकते हैं ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क्या हाल हो चुका है। जी, बहुत बड़े बड़े पेड़, जो पुराने पुराने पेड़ थे, वो सारे पेड़ टूट के गिर चुके हैं। ये जो पेड़ देख पा रहे हैं, ये हिंदी डिपार्टमेंट के सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वो बहुत बड़ा पेड़ था, बरगद का पेड़ था, जो कि टूट के नीचे गिर चुका है। यहाँ देख सकते हैं ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोज़ बना रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। विभाग भी आपको देख सकता है, वजह देख रहे हैं हिंदी विभाग लिखा हुआ, और ये देख रहे हैं ये पेड़ जो टूट के गिर चुका है। इस तरह पूरे जामिया की अगर हम बात करें, चाहे गेट नंबर 7 की बात करें, 8 की बात करें, 13 की बात करें, फिर 5 की बात करें, जितने बड़े बड़े पेड़ थे, आपको पता है जामिया में बहुत ज़्यादा पेड़ है। ये देखिए, मैं अभी यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के जस्ट सामने हूँ, और आप देख सकते हैं कि जामिया में किस तरह की एक भयावह मंजर इस तरह से दिख रहा है, कि जैसे कोई भयंकर तूफान आंधी आया हो। लेकिन हालांकि ये आंधी तूफान था भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो पेड़ है वो जड़ से उखड़ गए। कई सारे पेड़ है जामिया में जो जड़ से उखड़ गया है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये जो ये रास्ता है वो जो आरसीए की तरफ जाता है, इधर साथ ही मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सड़क पे किस तरह से जो पेड़ गिरे हुए वो बिखरे पड़े हैं। और ये जामिया का जो खूबसूरती था वो इन पेड़ों की वजह से ही था, लेकिन आज इस आंधी, इस तूफान ने कई सारे पेड़ों को उखाड़ फेंका है। देखिए, एक ये सामने आप पेड़ देख सकते हैं, ये आधा ऊपर से ही टूटकर गिर गया है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जामिया में जो ये तूफान था उसका किस तरह का भयावह मंजर है। मैं आपको हर जगह दिखा रहा, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको पेड़ ही पेड़ मिलेगा, हर तरफ पेड़ गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो सेंट्रल कैंटीन की तरफ का मंजर हो, चाहे वो लॉ की जो लॉ डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उस तरफ हर तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको पेड़ ही गिरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आज इस तूफान, इस आंधी में जामिया में ना जाने कितने सारे पेड़ है वो जो या तो जड़ से उखड़ गए हैं, या उनकी टहनियाँ टूट कर गिर गई है, या वो आधा टूट कर गिर गया है। तो ये जामिया में जिस तरह की आज तबाही मची है, ये नहीं बताया जा सकता है कितने सारे पेड़ यहाँ टूट कर गिरे हैं या जड़ से उखड़ गए हैं। हालांकि ये इसे गिना नहीं जा सकता, अनगिनत है एक तरह से कहा जाए तो। यहाँ पे जामिया में अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने सारे पेड़ हैं जो टूट कर गिरे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कैमरे की निगाहों से देखिए, आप जिधर भी जा रहे हैं उधर उधर देखिए यहाँ पर किस तरह से पेड़ जो है वो टूट कर गिरे बिखरे हुए हैं। ये देखिए, हर जगह आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहा है। ये जामिया की खूबसूरती थी, इन पेड़ों से जामिया बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन इस आंधी तूफान ने जामिया में बहुत सारी तबाही मचाई, जिसके वजह से कई सारे पेड़ है जो जड़ से उखड़ कर ज़मीन पर गिर गए।